हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए अब मैं प्रेजेंट करता हूँ वर्ल्ड का मैप। ठीक है, आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। फिर भी एक बार मैं चाहता हूँ जो मैं प्लेसेस अब यहाँ पे बताऊँगा उनको अच्छी तरह से कर लेना आप। ठीक है, जो भी आपने प्रिपरेशन की है उसके अलावा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसमें पहले कॉन्टिनेंट देखेंगे, फिर ओशियंस देखेंगे और फिर देखेंगे इंपॉर्टेंट कंट्रीज और इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो आप एक काम करो, 5-6 मैप आप अपने पास रखो और मैं जैसे जैसे कहते जाऊँ उनको बढ़ते जाना। ठीक है, बिल्कुल आसानी से करेंगे, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वर्ल्ड का मैप लगा दिया, PDF में इसको टेलीग्राम चैनल हमारे पर भेज दूंगा, लक्की एजुकेशन, वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पर भी आप इनको एक बार चेक कर सकते हो। बिल्कुल बिंदास तरीके से करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल आपको, है ना। तो एक ब्लैंक मैप लीजिए वर्ल्ड का और फिल करना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। तो कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस की अगर हम बात करें तो देखो भाई, ये वाला जो है पूरा की पूरा ये है आपका एशिया। ठीक है, दूसरा यहां पे आप देखोगे ये हो जाएगा यूरोप, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ये हो जाएगा अंटार्कटिका। ठीक है, दोबारा सुन लो, एक बार फिर बता रहा हूँ, सारे के सारे कॉन्टिनेंट, ये तो हो जाएगा आपका एशिया, ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका, यहाँ पे आ जाएगा आपका यूरोप, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ अमेरिका और ये आ जाएगा साउथ अमेरिका और ये हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। तो 7 के 7 कॉन्टिनेंट हमने यहाँ पे देख लिए। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक तो आपके हो गए कॉन्टिनेंट। फ्रांस और आयरलैंड की हम बात करते हैं, फ्रांस कहाँ पर है और आयरलैंड कहाँ पर है। थोड़ा सा मैं जूम करके इसको दिखाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। देखो भाई, ये है अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर यहाँ पर है मेडिटेरेनियन सी। कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी। ये वाली जगह जो है ये है फ्रांस, क्या है? फ्रांस लिख लेना। और यहाँ पर ये है आपका इंग्लैंड या हम उसको कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम। और ये वाली जो जगह है ये है आपका आयरलैंड। और ये वाली जो जगह है ये छोटा सा ये है आइसलैंड। ठीक है, अच्छी तरह से कर लेना, मैं फिर बता रहा हूँ। देखो, मैंने थोड़ा सा मैप को जूम किया, ये लो भाई साहब जूम हो गया, ये पूरा अफ्रीका हो गया। यहाँ पे आप देखोगे सहारा डेजर्ट है, ये मेडिटेरेनियन सी है और यहीं पर आप ध्यान रखना मेडिटेरेनियन सी के आसपास ये वाली जो जगह है ये है, तो हो गया फ्रांस और ये हो जाएगा आपका आयरलैंड और ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको अच्छी तरह से। तो ये 9 चीज़ों को आप फटाफट भरो। एक मैप तो हो गया आपका ये वाला, अब हम दूसरे मैप पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। देखो, इसको हम ओशियानिया भी बोलते हैं, ओशियानिया, ओशियानिया भी बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना, ऐसा भी आ सकता है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, हमारी बुक में 2 जगह दे रखी है केस स्टडी में। तो ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको पता है कैनबरा, ये है। और एक इथोपिया दे रखा है, ये वाला है इथोपिया, इथोपिया में एक जगह है अड्डीस अबाबा, यहाँ पर दे रखी है अड्डीस अबाबा, तो वो आ सकता है। अड्डीस अबाबा कहाँ है? तो ये वाली जगह इथोपिया, इथोपिया में अपॉइंट बना के कहीं भी लिख देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे और विजुलाइजेशन देख सकते हो, बड़ा प्यारा सा दे रखा है। तो ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसके अलावा अगर आप देखो ओशियंस की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इंडियन ओशियन, यहाँ पर आ जाएगा सदर्न ओशियन, यहाँ पर आ जाएगा अटलांटिक ओशियन, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर भी पैसिफिक ओशियन, ऊपर आ जाएगा आर्कटिक ओशियन। तो सारे ओशियंस के बारे में ध्यान रखना, ये ऊपर आर्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और यहाँ पे सदर्न ओशियन। ठीक है, ये एस शेप में जो दे रखा है ये है आपका अटलांटिक ओशियन। और इस जगह पर ध्यान रखना एक सी है, मेडिटेरेनियन सी, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिटेरेनियन सी, जहाँ पर मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है, पॉपुलेशन खूब अच्छी पाई जाती है। और यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है सिट्रस फ्रूट्स के लिए। वर्ल्ड की बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाइन यहीं पर मिलती है, कहां पर? मेडिटेरेनियन रीजन में। ठीक है, और मेडिटेरेनियन जो सी है आपका देखने को मिलेगा, ऊपर यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, यहां पे मेडिटेरेनियन सी है। यहां से ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं रेड सी, आप लिख सकते हो इसको हम क्या बोलते हैं? रेड सी बोलते हैं। और ये वाली जो गल्फ दे रखी है इसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ, ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं पर्शियन गल्फ। इन चीज़ों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, भर देना मैप और देखते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस। अब ये 7 जगह भरते हैं पहले। सबसे पहले रशिया, ये वाली जो जगह है भाई रशिया लिख देना इसमें। यूक्रेन बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, यूक्रेन चर्चा में, आपको ध्यान रखना है ना, यूक्रेन चर्चा में है, पूछा जा सकता है। तो आप देखोगे थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं, ये तो हो गया आपका रशिया। और ये वाली जो जगह है ना, ये वाली बेटा, ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं यूक्रेन, ध्यान रखना यूक्रेन है। और यूक्रेन के ऊपर ये वाली जगह पे आप लिख देना, कौन सी वाली जगह बताई थी? ये वाली जगह यूक्रेन है। यूक्रेन के ऊपर है बेलारूस, यूक्रेन के ऊपर है बेलारूस। और अगर आप बाई चांस आ जाए तो 3 देश हो रहे हैं यहाँ पर लाइन लगा के, मैं बताता हूँ, थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। देखो, ये हो गया आपका रशिया,
ये हो गया आपका यूक्रेन, ये हो गया बेलारूस। अब तीन देश में बताऊंगा लाइन लगा के जिनको हम बोलते हैं बाल्टिक नेशंस। क्या बोलते हैं? बाल्टिक नेशंस, क्योंकि यहाँ पे बाल्टिक सी है ना, बाल्टिक सी। तो पहला है आपका इस्टोनिया, ये वाली जो जगह है ये है इस्टोनिया। इसके बाद आता है लातविया, ये वाली जगह जो है लातविया। और तीसरी वाली जगह जो है इसको बोलते हैं लिथुआनिया। क्या बोलते हैं? लिथुआनिया। चार पांच देश हैं, दोबारा देख लो, दिस इज रसिया। और रशिया के नीचे आपको देखने को मिलेगा बेटा मंगोलिया। रशिया के नीचे क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? ये हो गया मंगोलिया, और ये हो जाएगा आपका चाइना। और यहाँ पे ये कंट्री एक बार फिर देख लो, मैं फिर बता रहा हूँ, रशिया, ये हो गया यूक्रेन, ये हो गया बेलारूस। यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका इस्टोनिया, फिर आएगा आपका लातविया, और फिर आएगा आपका लिथुआनिया। इनको हम बोलते हैं बाल्टिक नेशंस। पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, यहाँ पे जो सी है इसको हम बोलते हैं बाल्टिक सी। ठीक है, वेरी गुड। कई सारी चीज़ें हो गई हमारी। कैनेडा कहाँ पर है भाई? तो देखो ये जो है आपका, ये जो है आपका, ये, अरे यार एक सेकंड, ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो नीचे नीचे ये वाली जगह तो हो जाएगी मैक्सिको। यहाँ पे जो ये आइलैंड दे रखे हैं इनको हम बोलते हैं कैरेबियन आइलैंड। बोल देना कैरेबियन आइलैंड, यहीं पर क्यूबा है, ध्यान रखना। ये हो जाएगा आपका यूएसए। ये वाली जो जगह है ये है अलास्का, ये भी यूएसए के अंडर में। ये वाली जगह जो है यूएसए, अलास्का के अंडर में। और ये पूरा हो जाएगा कैनेडा। क्या हो जाएगा? कैनेडा। ये हो जाएगा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड एक देश है। और ये छोटा सा यहाँ पे आइलैंड जो है ये है आइसलैंड। क्या है? आइसलैंड, भर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करोगे आइसलैंड के नीचे आप आओगे तो ये वाली जो जगह दे रखी है इसको तो हम बोलते हैं इंग्लैंड या यूके बोल लो। और ये वाली जो जगह दे रखी है इसको हम बोलते हैं आयरलैंड। भर लेना मेरे साथ में, फिर बता रहा हूँ, दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर देखो ये दो जगह दे रखी हैं, तो पहले पी पी और यहाँ पर एस लिख देना। पी का मतलब है पुर्तगाल और एस का मतलब है स्पेन। पी का मतलब है पोर्चुगल और एस का मतलब है स्पेन। और इनके ऊपर है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस देश है, ध्यान रखना बेटा, फ्रांस देश है, फ्रांस है ना। और यहाँ पे फ्रांस की बगल में बड़ा सा ये है जर्मनी। क्या है? जर्मनी है। फ्रांस की बगल में यहाँ पे क्या है? जर्मनी है, इसका याद रखना। और ये जो दिखा रखी है पतली सी यहाँ पे लाइन सी, ये है इटली। क्या है? इटली। सोनिया गांधी यहीं की है भाई, ध्यान रखना, इटली की है ना, इटली। ठीक है, वेरी गुड, इतना हो गया आपका। और क्या बचा है इसमें? देखो चाइना, चाइना तो आप भर दोगे यार, ये चाइना हो गया इंडिया के ऊपर। और मंगोलिया, देखो ये रशिया है, ये चाइना है, और बीच में सैंडविच बना पड़ा है मंगोलिया। और मंगोलिया में एक डेजर्ट पाया जाता है बेटा, मंगोलिया में एक डेजर्ट पाया जाता है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है? गोबी डेजर्ट। तो यहाँ पे रशिया हो जाएगा, यहाँ पे चाइना हो जाएगा, और ये बीच में सैंडविच जो बना हुआ है ये है मंगोलिया। ठीक है भाई, एक मैप ये भर देना। चलो अगले मैप की तैयारी करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये चाइना है, ये रशिया है, ये मंगोलिया है, और यहाँ पे ये देखो बाल्टिक नेशंस के यहाँ पे नाम दे रखे हैं सारे के सारे। आप देखोगे तो ये रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस हो गया, ऊपर इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है ना। और देखो यहाँ पर लाइन लगा के इनको भी देख सकते हो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये भी याद रखना है ना। इधर आप मैंने बताया था आइसलैंड, और यहाँ पर नीचे देखोगे तो ये आयरलैंड और ये यूके हो जाएगा। और साइड में मैंने बताया था पहले पुर्तगाल, फिर स्पेन, फिर फ्रांस, और बड़ा सा जर्मनी, और ये वाली जगह जो देखिए इटली। ठीक है, इसके बारे में भी याद रखना। चलो अब हम देखते हैं श्रीलंका। इंडिया के नीचे ये वाला श्रीलंका हो जाएगा। इंडिया कहाँ? इंडिया तो यार बताने की ज़रूरत नहीं है। नेपाल कहाँ है? नेपाल यहाँ पर है। और भाई भूटान भी लिख सकते हो इसमें आराम से। बांग्लादेश, इसमें बीच में बांग्लादेश है। मेडागास्कर, ये वाला मेडागास्कर है। आइसलैंड मैंने अभी बताया था, ये वाला क्या हो जाएगा? आइसलैंड हो जाएगा। म्यांमार, इंडिया की बिल्कुल बगल में भाई साहब, इंडिया की बिल्कुल बगल में। ये तो बांग्लादेश हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, और ये म्यांमार हो जाएगा। ये डॉट लगाया ना मैंने, ये वाला क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, आराम से कर सकते हो, बिल्कुल घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन उल्टा देने का, बिल्कुल बिंदास रहने का बेटा। अब आते हैं सहारा डेजर्ट। तो भैया ये वाली जो जगह है इसको आप लिख सकते हो सहारा डेजर्ट। गोबी डेजर्ट मैंने बताया था मंगोलिया में, कहाँ पे? गोबी डेजर्ट मंगोलिया में। कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे लिख सकते हो, कालाहारी डेजर्ट नीचे अफ्रीका में। कटंगा जाम्बिया, इसी वाली जगह पर है आपका कटंगा जाम्बिया, कॉपर बेल्ट, कॉपर बेल्ट है ना। कोबे ओसाका रीजन। अब आते हैं भैया आपके जापान वाले रीजन में। चलो भाई थोड़ा जूम करते हैं, तो देखो बेटा ये है अपना चाइना है अपना। चलो अपनापन दिखा देते हैं क्योंकि सर्वे भवंतु सुखिनः। और चाइना के ऊपर मंगोलिया, ऊपर है रशिया, वेरी गुड। अब देखो ये वाली जो जगह दे रखी है ना, ये वाली जो जगह दे रखी है, दिस इज आपकी
जापान, क्या है ये? जापान है। जापान में है कोबे ओसाका रीजन, जापान की कैपिटल है टोक्यो आ जाए तो। और देखो ये जगह है नॉर्थ कोरिया और ये जगह है साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जापान पास पास में है, पास पास में है। और यहाँ तक आपका रशिया है भाई, ये क्या है? रशिया। तो ये वाला जो जगह है आपका, यहाँ से यहाँ तक तो हो जाएगा जापान, और ये हो जाएगा आपका नॉर्थ कोरिया, और ये हो जाएगा साउथ कोरिया। पहले एन आता है और फिर एस आता है, या ऊपर में नॉर्थ नीचे साउथ, ऐसे करके भी याद रख सकते हो, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, अलास्का मैंने बताया था, ई वाली जो जगह है ये है अलास्का, जो यूएसए के कंट्रोल में या जगह पे है ना बेटा। ओके मूविंग फॉरवर्ड, आगे मेडिटेरेनियन सी, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं मेडिटेरेनियन रीजन। ब्राजील, ब्राजील ये वाला है भैया ब्राजील। ब्राजील में अमेजन रिवर फ्लो करती है, ध्यान रखना अमेजन बेसिन पाया जाता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, पॉपुलेशन कम पाई जाती है। ठीक है, ज़्यादा रेनफॉल की वजह से। अरेबियन पेनिनसुला, ये वाली जो जगह है भाई अरेबियन पेनिनसुला है, क्योंकि पानी तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इधर से इसलिए हम बोलते हैं इसको अरेबियन पेनिनसुला। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, तो भाई ये अपना इंडिया, ये नीचे इंडियन ओशियन, यहाँ पे हो जाएगा बे ऑफ बंगाल, इधर हो जाएगा अरेबियन सी, ये हो जाएगा रेड सी, ये हो जाएगा आपका मेडिटेरेनियन सी, इधर हो जाएगी पर्शियन गल्फ। क्या हो जाएगी? पर्शियन गल्फ लिख देना यहाँ पे, पर्शियन गल्फ। तो अगर आप देखोगे गौर से तो ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं अरेबियन पेनिनसुला, और इसमें आप भर सकते हो, ये है आपका सऊदी अरेबिया। क्या है ये? सऊदी अरेबिया लिख देना, है ना। और ये हो जाएगा यमन, और ये हो जाएगा ओमान, यमन और ओमान, इतना भी आप लिख सकते हो। और क्या बचा है इसमें? ख़त्म हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं, अगला मैप तैयार करो। न्यूजीलैंड, चलो भाई साहब न्यूजीलैंड देखते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो भाई तो यहाँ पे आ जाओ, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, है ना। और ये वाली जो जगह है ये है आपकी न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड है ना बेटा। और ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं तस्मानिया। क्या बोलते हैं? तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है ना। वेरी गुड भाई साहब, इतना याद रख लोगे, बहुत बढ़िया। टोक्यो आप बता सकते हो भाई, जापान में क्या है? टोक्यो। कैनबरा किसकी कैपिटल है? ऑस्ट्रेलिया की। अड्डिस अबाबा किसकी है भैया? इथोपिया की। यहाँ पे लगा सकते हो इस वाली जगह पे, इथोपिया। ये वाली जगह कौन सी? ये वाली जगह इथोपिया में, है ना, अड्डिस अबाबा उसकी कैपिटल है। आइसलैंड, मैंने कई बार बता चुका हूँ, ये वाली जगह जो है आइसलैंड है, ऊपर ग्रीनलैंड है। साउथ अफ्रीका, बहुत बढ़िया, अफ्रीका में नीचे ही नीचे का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं साउथ अफ्रीका। कालाहारी डेजर्ट, इसको भी आप यहीं पर लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका कालाहारी डेजर्ट। ओके जापान, बहुत बढ़िया, ई वाला जापान हो जाएगा। नॉर्थ कोरिया मैंने अभी बताया था, थोड़ा सो छोटा जूम करके देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा नॉर्थ कोरिया, और इसके नीचे हो जाएगा साउथ कोरिया, और ये हो जाएगा जापान। दोबारा देख लो, ये जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये चाइना है भाई साहब, और यहाँ पे मंगोलिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आराम से, बिल्कुल छोटा दिखेगा, टेंशन मत लेना, बट घबराना नहीं है। इंडोनेशिया, देखो भाई ये पूरा पूरा यहाँ पे जो दिखा रखा है ये है इंडोनेशिया, छोटे छोटे से जो आइलैंड दिखा रखे हैं, सारे के सारे आइलैंड कौन से हैं? यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ भाई इंडोनेशिया, है ना। और यहाँ पर ये वाला देश जो है ये है फिलीपींस, कौन सा देश है? फिलीपींस। इजिप्ट, इजिप्ट कौन सा भाई? अफ्रीका में आ जाओ, इजिप्ट अगर देखना है तो, जहाँ पे पिरामिड पाए जाते हैं। तो देखो भाई अफ्रीका को थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं, इजिप्ट अगर आपको देखना है तो, बहुत बढ़िया, ये रहा आपका इजिप्ट, एल शेप में जो बना हुआ है, इजिप्ट है भाई, इजिप्ट, इजिप्ट जिसकी कैपिटल कायरो है, इजिप्ट, है ना। और ये वाला जो है रेड सी, जो पानी से दिखा रखा है, क्या है? रेड सी है, इसके बारे में भी ध्यान रखना। ओके सो मूविंग फॉरवर्ड, इजिप्ट हो गया, ये वाला इजिप्ट है ना, इसकी बगल में लीबिया, लीबिया, और इसकी बगल में अल्जीरिया। ठीक है, तो पहले इजिप्ट आएगा, फिर आएगा लीबिया, फिर आएगा अल्जीरिया। इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया। ठीक है, वेरी गुड बेटा। इथोपिया, बार बार ध्यान रखना, इथोपिया आ सकता है, इथोपिया आ सकता है, इसलिए इथोपिया याद करने की ज़रूरत है। ये वाला हो जाएगा इथोपिया, क्या हो जाएगा? इथोपिया। ठीक है, वेरी गुड। मेडागास्कर, ये आपका हो गया मेडागास्कर। पर्शियन गल्फ मैंने बताई थी, ये वाली जगह पर्शियन गल्फ है। ग्रीनलैंड भाई, ग्रीनलैंड, ये हो गया ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के नीचे आइसलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड के नीचे क्या हो जाएगा? ये ग्रीनलैंड, इसके नीचे आइसलैंड। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये रहा आपका इथोपिया, और यहाँ पर ये रहा आपका इजिप्ट। वेरी गुड, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, एक और देख लेते हैं, अपने पड़ोसी देशों के बारे में देख लेते हैं, इंडिया के पड़ोसी देश, थोड़ा जूम करते हैं। लो भाई थोड़ा जूम कर दिया, तो ये सबसे पहले इंडिया, श्रीलंका, नेपाल,
भूटान, बांग्लादेश और ये हो जाएगा म्यांमार। नीचे यहाँ पे मालदीव आ जाए तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। अफगानिस्तान के बगल में हो जाएगा आपका ईरान, क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा, ये लग देना आप, है ना। सऊदी अरेबिया, क्या है ये, सऊदी अरेबिया। यमन, YEMEN, यमन, ये हो जाएगा ओमान। ये हो जाएगा इथोपिया, क्या हो जाएगा, इथोपिया। ये वाली जो जगह ना यहाँ पे, ये सोमालिया है, सोमालिया, क्या है, सोमालिया। इतना याद रखना और ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। ऊपर हम देखें रशिया, ये हो जाएगा मंगोलिया। और ये वाली जो जगह दे रखी है इसको बोलते हैं कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। भरना, देखो मैप भरने से आएगा कजाकिस्तान, है ना। ठीक है, हमने बहुत सारे प्लेसेस भर लिए हैं, आई एम श्योर इनमें से बहुत सारे चीज़ें आपकी आ जाएंगी, बिल्कुल घबराना नहीं है। इनको बार बार प्रैक्टिस करो, बिल्कुल सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर भी और एक बार नज़र मार लेना बुक में, जहाँ जहाँ जो भी प्लेसेस हों वो भी आ सकते हैं, ठीक है। सो मेरी तरफ से बेटा आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने खूब कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करने की, लास्ट टाइम पर घर भी नहीं गया हूँ मैं, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, मैं चाहता हूँ मस्त बिंदास तरीके से करके आना है, जैसा भी हो दे के आना आराम से, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।